नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में दिया जवाब, बोले डेंगू की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रभावी उपाय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में प्रदेश में डेंगू की रोकथाम को लेकर किए जा रहे उपायों पर कहा कि सरकार डेंगू सहित अन्य संक्रमित बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर रही है। सरकार द्वारा अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से संचारी रोगों की रोकथाम के लिए काम किए जा रहे हैं। जल जनित या विषाणु जनित रोगों के निवारण के लिए प्रतिवर्ष 3 माह डोर टू डोर अभियान चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बीमारियां देखने को मिलती हैं। बरेली और बदायूं में मलेरिया, बिहार से लगे इलाकों में कालाजार जैसी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है। सरकार द्वारा इनकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। आज ब्लड सेपरेटर यूनिट द्वारा ब्लड चढ़ाया जाता है और हम प्लेटलेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति भी करते हैं। सरकार द्वारा डेंगू सहित संचारी रोगों की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में आयुष्मान योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना से लाखों लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। बिजली के मुद्दे पर डेप्यूटी सीएम व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश में तकरार। सदन की कार्यवाही में सवाल के जवाब के दौरान बिजली के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव में बहस हो गई। अखिलेश के सवाल पर उप मुख्यमंत्री बोले, यूपी में अब 24 घंटे बिजली आती है, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को बिजली की चिंता कब से होने लगी। इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर